ओवरकम स्टैमरिंग जर्नी में मिरर प्रैक्टिस, शीशे के सामने प्रैक्टिस करना, इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है और मैंने भी बहुत सालों तक इसकी प्रैक्टिस की है और आज भी मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ फॉर माय पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस। दोस्तों, मिरर प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आपको रिजल्ट काफ़ी जल्दी प्रोड्यूस होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट और सिंपल टिप्स शेयर करना चाहूँगा जिससे कि जब भी आप ये मिरर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी प्रोड्यूस होना चाहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं 5 इंपॉर्टेंट टिप्स कौन से हैं और प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मिरर प्रैक्टिस का सबसे पहला टिप ये है कि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो शॉर्ट सेंटेंस से ही प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से आपका कंट्रोल वर्ड्स पे रहेगा, ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली इंक्रीज भी होता है। अगर दोस्तों आप लंबे सेंटेंस से, लेंथी सेंटेंस से शुरुआत करते हैं तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिससे कि आपको ये मिरर प्रैक्टिस काफ़ी हेक्टिक लग सकती है। इसलिए शुरुआत करते समय छोटे छोटे सेंटेंस से ही शुरुआत कीजिए और छोटे छोटे सेंटेंस में जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उसको एक लेंथी सेंटेंस बना करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो ग्रेजुअली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और आपको मिरर प्रैक्टिस में काफी मजा आने वाला है। टिप नंबर 2, अपने इंटरेस्ट के टॉपिक पे ही मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। अगर आप एक अपने इंटरेस्ट के टॉपिक पर ही बात करते हैं तो आप काफी देर तक उसमें एंगेज रहते हैं और आपको काफी मजा आता है बात करने से। अगर आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक पर बात नहीं करते हैं तो आपका दिमाग कहीं और चला जाता है और आपको मिरर प्रैक्टिस काफी बोरिंग लगने लगती है। इसलिए आपके इंटरेस्ट का टॉपिक जो भी हो, जैसे कि आप स्टोरी बता सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, आप कोई मेमोरी बता सकते हैं या फिर आप स्टेज का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी टॉपिक में आप काफी कंफर्टेबल और आप इंटरेस्टेड हो उसी से आपको शुरुआत करनी चाहिए। मिरर प्रैक्टिस में 3rd टिप है आपके लिए कि आप जब बात करते हैं प्रैक्टिस करते समय तो उसको काफ़ी स्लोली बट क्लियरली बोलने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपके वर्ड क्लियर आने लगेंगे, आपका वर्ड पर कंट्रोल रहेगा और ये प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। जब आप स्लो बात करते हैं तो आपके वर्ड काफ़ी कंट्रोल में आते हैं और जब आप क्लियर बात करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट ही बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, 3rd नंबर की टिप ये है कि आप प्रैक्टिस करते समय स्लोली स्टार्ट कीजिए बट हर वर्ड को क्लियर बोलने की ही प्रैक्टिस कीजिए। 4th टिप, मिरर प्रैक्टिस करते समय जब आप मिरर की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने हैंड मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवली यूज करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपकी स्पीच काफी डायनामिक लगती है और ऐसा करने से आप काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मिरर की प्रैक्टिस करते समय। दोस्तों, आपके हैंड मूवमेंट, आपका बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है और ये प्रैक्टिस अगर आप रियल लाइफ में भी कंटिन्यू करते हैं लोगों के सामने तो लोग आपको समझते कि आप काफी कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। इसलिए अपने हैंड मूवमेंट को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने स्माइल को आप ऐड करते रहिए जब आप मिरर की प्रैक्टिस करते हैं। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर मिरर प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जब आप दोस्तों करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये आपके स्पीच को काफ़ी और अच्छा बेहतर बनाता है। जब आप फ्रेजेस को काफ़ी अच्छे से क्लियरली और प्रोनाउंसिएशन के साथ क्लियर बोलते तो ये आपके स्पीच को काफ़ी अच्छा बेहतर लोगों के सामने रखता है। इसलिए जब भी आप मिरर की प्रैक्टिस करेंगे, मेक श्योर करना आपका हर कैरेक्टर, आपका हर वर्ड, आपका फ्रेज, आपके सेंटेंसेस इतने क्लियर आने चाहिए जैसे कि वो करेक्ट आप बोलते हैं। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन कैसे क्लियर करना है वो पता नहीं है तो आप गूगल पे भी उसको सर्च कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपके प्रैक्टिस में जब आपका सही प्रोनाउंसिएशन आएगा तो लोग आपको काफी ध्यान से सुनेंगे और आपके स्पीच में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यहां तक मैंने जितने भी सारे पॉइंट्स बताए हैं उससे आपको काफी हेल्प हुई है टू प्रैक्टिस फॉर मिरर।
दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी सारे टॉपिक डिस्कस किए, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक समझ में आए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ तक 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे जो करने से आपके मिरर के प्रैक्टिस में आपको बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे ट्रेनिंग को जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिए, वहां पर आपको हमारा एक ट्रेनिंग के रिगार्डिंग फॉर्म मिलेगा जहां पर हम आपको हेल्प करते हैं अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए, स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक और ओवरकम स्टैमरिंग, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।